नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल वर्तमान की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, जिसको देखते हुए हर एक पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 4.5 साल का कार्य आज पूरा हो गया है, जिसको लेकर सरकार के साथ विपक्ष पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। आपको बता दें कि योगी सरकार अपने 4.5 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जा रही है और अगले चुनाव के लिए आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। लेकिन यूपी में हाल फिलहाल अभी जो माहौल दिखाई दे रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामों की बात करें तो वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली तो यूपी को बीमारू राज्य और अपराध का प्रदेश कहा जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले इस पर कार्य करना शुरू किया। बता दें कि योगी सरकार ने रोज बरोज के काम में संस्थागत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन तकनीकी का इस्तेमाल करके पारदर्शिता बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल की है। एक के बाद एक कई बड़े फैसले कर यूपी की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने राज्यों के बच्चों, महिलाओं और श्रमिकों के साथ किसान समेत आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजना का शुभारंभ किया है, जैसे अपराधियों पर नकेल दंगा मुक्त यूपी, महिला अपराध पर नकेल, कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से निपटने में अव्वल यूपी में निवेश को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ योगी सरकार ने 4.5 सालों में अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, कुशीनगर सहित तमाम शहरों को पर्यटन के तौर पर उभारने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भले ही 4.5 साल बड़े आसानी से पूरे कर लिए हों, लेकिन आगे की सियासी राह चुनौतियों से भरी है और इसमें योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबका स्वीकार नेता बनने और उनका भरोसा जीतने का है, और साथ ही अपने हिंदुत्व के रुख को बरकरार रखते हुए विकास के पैमाने पर भी खरा उतरना होगा। दरअसल सूबे में 2022 का विधानसभा चुनाव योगी सरकार के कामकाज और चेहरे पर होना है, ऐसे में उनके आगे की राह काफी मुश्किलों भरी है। जहां एक तरफ योगी सरकार अपने कामों को गिनाते हुए नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सरकार एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ और अपने काम का प्रचार कर सत्ता में वापसी की राह देख रहे हैं। लेकिन अब यह तो जनता को तय करना है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में सौंपनी है, और जनता ही बताएगी कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।